गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। जैसा कि ट्रायंगल चैप्टर समाप्त हो चुका है, आज हम स्टैटिक्स पे आ जाएंगे। स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। सांख्यिकी में अर्थमेटिक मीन यानी मीन, मीडियन और मोड तीन होता है। मीन का जो मेथड है वो मीन तीन तरह से सॉल्व की जा सकती है। डायरेक्ट मेथड एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरा एज्यूम मीन मेथड एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई बाई सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। यहाँ पे ए क्या है, एज्यूम मीन है, डी आई की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स आई माइनस ए, और एक्स आई क्या है, क्लास मार्क है, लोअर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई टू। अच्छा, फिर तीसरा पा स्टेप डेविएशन मेथड एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, यू आई इज इक्वल टू डी आई बाई एच, एच क्या हाइट है, क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हमारे, अच्छा अगर फ्रीक्वेंसी छोटी है तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे, मीडियम में है तो एज्यूम मीन मेथड, और बहुत बड़ी है तो स्टेप डेविएशन। तो पहले प्रॉब्लम में हम आ जाएंगे 14.1 में। सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज पार्ट ऑफ दियर एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग टू नंबर ऑफ प्लांट इन 20 हाउसेज इन लोकेलिटी, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउसेज। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14 है। नंबर ऑफ हाउसेज 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3 यानी 0 से लेके और 2 तक के जो प्लांट्स हैं वो एक घर में है। 2 से 4 दो घर में है, 4 से 6 1, 6 से 8 5 हाउसेज, 8 टू 10 6 हाउसेज, 10 टू 12 प्लांट 2 हाउसेज, 12 टू 14 प्लांट 3 हाउसेज। अब हम क्या करेंगे कि इस क्लास मार्क निकाल लेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट या अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, यानी दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 2 होगा, 2 बाय 2 यानी 1, डिफरेंस 2 का है तो यहाँ पे हम 2 ऐड करते चले जाएंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। फिर ये एक्स आई आपकी मिल गई, ये आपकी एफ आई है तो एफ आई एफ आई इंटू एक्स आई हम निकाल लेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 1, 2, 3, 6, 5, 1, 5, 5, 7, 35, 6, 9, 54, 2, 11, 22, 3, 13, 39 ऐड करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई 162, सिग्मा एफ आई 20। तो डायरेक्ट मेथड से एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई 162 बाई 20 यानी 8.1। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाएंगे, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ अ वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग द एफडीटीए रेट मेथड। 50 मजदूरों का जो है वो मजदूरी दी हुई, इनका मीन निकालना है। डेली वेजेस 100 से 120 12 मजदूर पाते हैं, 120 से 140 14 मजदूर, 140 से 160 8 मजदूर, 160 से 180 6 मजदूर, 180 से 210 मजदूर। इसकी हमें मीन निकालनी है, हम इसको स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे कि इसका क्लास इंटरवल से हम क्लास मार्क यानी एक्स आई निकाल लेंगे, 100 प्लस 120 220 110 हो गया, डिफरेंट 20 का 20 ऐड करते चले जाएंगे, 110 130 150 170 190। एज्यूम मीन निकालेंगे, 2 ऊपर से ले लेंगे 2 नीचे से, बीच वाला आपका एज्यूम मीन होगा। अब 110 में 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 40, 110 में 130 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 20, 110 में 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 40, 130 में 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 20, 150 में 150 0, 170 में 150 20, 190 में 150 40। अब हम यू आई निकालेंगे, यू आई इज इक्वल टू डी आई डी आई बाई एच, टू की डिफरेंस हाइट 20 है, डी आई माइनस 40 बाई 20 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2। अब एफ आई यू आई निकालेंगे, एफ आई 12 है, ये 2 है 24, 14 वन दा 14, 8 0 दा 0, 6 1 दा 6, 10 2 दा 20 यानी सिग्मा एफ आई यू आई माइनस 12 आ गया, सिग्मा एफ आई 50 आ गया, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये फार्मूला स्टेप डेविएशन में करता हूँ, वैल्यू पुट कर देंगे 150 प्लस माइनस 12 बाई 50 इंटू 20,
ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा 24/5 यानी -4.8 150 -4.8 145.20। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएंगे। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ ए चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। मीन दिया हुआ 18 दिया हुआ है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ निकालना है। देखिए यहाँ पे डेली पॉकेट अलाउंस रुपीज में 11 से 13 रुपए 7 पाते हैं, 13 से 15 6 लोग पाते, 15 से 17 9 लोग पाते, 17 से 19 13 लोग पाते हैं, 19 से 21 मिस है, 21 से 23 5 और 23 से 25 4। यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ आई ऐड करेंगे तो ये एफ प्लस 44 आ जाएगा। एफ को छोड़ देंगे, बाकी नंबरों को आप ऐड कर लेंगे तो 44 प्लस एफ हो जाएगा। एक्स आई निकालेंगे, 11 और 13 ऐड करेंगे 24 तो 12 हो जाएगा। चूंकि 2 का डिफरेंस है तो 12 14 16 18 20 22 24। आप क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई निकालेंगे, 7 12 द 84 6 14 द 84 9 16 द 144 13 18 द 234। एफ से 20 को 20, एफ 5 को 22 से 110, 4 को 24 से 96। इसको ऐड करेंगे, इसको छोड़ देंगे 20F को, तो ये नंबर ऐड करेंगे तो 752 आएगा प्लस 20F, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 20F प्लस 752। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। मीन 18 दिया है, सिग्मा एफ आई एक्स आई 20F प्लस 752 बाई एफ प्लस 44। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 18F प्लस 792 इज इक्वल टू 20F प्लस 752। 18F माइनस 20F इज इक्वल टू 752 माइनस 792 माइनस 2F इज इक्वल टू माइनस 40। F इज इक्वल टू 40/2, F इज इक्वल टू 20। प्रॉब्लम नंबर 4 में आ जाएंगे। 30 वोमेन वेयर एग्जामिनेड इन ए हॉस्पिटल बाई ए डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट वेयर रिकॉर्डेड एंड समराइज एज फॉलोज। फाइंड द मीन हार्ट पर मिनट ऑफ दीज वोमेन, चूजन ए सुटेबल मेथड। देखिए यहाँ पे हार्ट बीट है, नंबर ऑफ हार्ट बीट 65 टू 68, 68 टू 71, 71 टू 74, 74 टू 77, 77 टू 80, 80 टू 83, 83 टू 86। अच्छा एफ आई क्या दिया है, 243872 यानी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सिग्मा एफ आई ऐड करने पर सिग्मा एफ आई 30 आ गई। एक्स आई निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 65 68 को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 66.5, क्योंकि डिफरेंस 3 का है, 3 ऐड करते चले जाएंगे 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5, 84.5। तीन ऊपर से तीन नीचे से छोड़ देंगे, बीच वाला का एज्यूम मीन हो जाएगा। अब 65.5 में 75.5 निकालेंगे माइनस 9, 69.5 में 75.5 सबट्रैक्ट करेंगे माइनस 6, 72.5 में 75.5 निकालेंगे माइनस 3, 75.75 में 75.5 निकालेंगे 0, 78.5 में 75.5 सबट्रैक्ट करेंगे 3, 81.5 में 75.5 सबट्रैक्ट करेंगे 6, 84.5 में 75.5 सबट्रैक्ट करेंगे 9। अब डी आई निकल आया तो यू आई इज इक्वल टू डी आई बाई एच, यानी डिफरेंस हाइट 3 है तो माइनस 9 बाई 3 माइनस 3 माइनस 6 बाई 3 माइनस 2 माइनस 3 बाई 3 माइनस 1 0 बाई 3 3 0 बाई 3 0 3 बाई 3 1 3 बाई 6 बाई 3 2 9 बाई 3 3। अब एफ आई एक्स आई एफ आई यू आई निकालेंगे, 2 3 द माइनस 6 4 माइनस 2 द माइनस 8 3 माइनस 1 द 3 माइनस 3 8 0 द 0 7 1 द 7 4 2 द 8 3 2 द 6 यानी सिग्मा एफ आई यू आई 4 आ गया, सिग्मा एफ आई 4 आ गया। फार्मूले में एक्स आई एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, यानी 75.5 प्लस 4 बाई 30 इंटू 3 3 1 द 3 10 द 0.4 हो जाएगा, 75.45 प्लस 0.4 75.9।